तुसी देख रहे हो सहज न्यूज चैनल। नमियां ते ताजा खबरां ले सब्सक्राइब करो, लाइव कवरेज ले संपर्क करो। लोग सभा हलका जलंधर की जिमनी चोण के मद्देनज़र श्रोमणी अकाली दल बसपा गठजोड़ वालों चोण मैदान च उतारे गए उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर सुखी के हक च चोण प्रचार करने लिए गुरां विखे एक मीटिंग की गई, जिस विच श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सीनियर बसपा आगू अवतार सिंह करीमपुरी, उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर सुखी ते साबका विधायक हलका फलौर बलदेव सिंह खहरा तो इलावा दोनों पार्टियां के होर सीनियर आगू भी मौजूद सन। इस मीटिंग के ठाठा मारते इकट्ठ को संबोधन करते हुए वक् वक् बुलारे ने कहा कि जिमनी चोण एक झूठे अहंकारी और व्यंगबाजी करने वाले मुख्यमंत्री अपनी असली थान दिखावेगी। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल बसपा गठजोड़ के खिलाफ चोण लड़ रही पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में है, इसलिए यह पार्टियां पंजाब के हितों बारे नहीं सोच सकदियां। उन्होंने कहा कि इको एक श्रोमणी अकाली दल पार्टी है जो पंजाब के लोगों की पार्टी है और पंजाब के हितों की गल करती है। इस मौके हरजिंदर सिंह लल्ली, बलवीर सिंह तेंग, लालचंद औजला, चूड़ सिंह, अमरजीत सिंह ढेसी, डॉक्टर लखवीर मठड्डा, मदन लाल रंधावा, साबका सरपंच खुशी राम, सुशील बिरदी तो इलावा वड्डी गिणती च अकाली दल अते बसपा के आगू हाजिर सन। जलंधर का उदे विच पहला मीटिंग हुई है चोण का, चोण मुहिम का आगाज होया और मैं कह सकता कि वर्करां विच उत्साह भी आ, चा भी आ और यह साबित करता कि आने वाली जिहड़ी लोक सभा उप चोण के नतीजे आ हलका विधानसभा फलौर तो सब तो वध लीड नाल डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी जितेंगे और यह जिहड़ी चोण आ मैं समझदा कि एक झूठे हंकारी व्यंगबाजी करने वाले मुख्यमंत्री नूं मतलब उन्हूं असली थान दिखा देगी। अज सब तो बड़ी समस्या यह आ कि साढ़े मुकाबले जी चोण लड़ रही पार्टियां ने भावें कांग्रेस पार्टी आ, भावें आम पार्टी आ, भावें बीजेपी आ, इन्हां पार्टियां दा रिमोट कंट्रोल दिल्ली विच आ। केवल तो केवल श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी आ जिहड़ी पंजाब की धरती से पैदा हुई तो पंजाब के हकों लई डटी और कुर्बानियां कीतियां। असली मायने विच पंजाब के हकों के लंबरदार तौर पर जो कोई पार्टी है तो श्रोमणी अकाली दल। अज पंजाब दे विच गैर पंजाबियां दा राज होण करके सब तो वड्डी चिंता बनी हुई आ। अज पंजाब दे पाणियां दी गल कह लो,
और सीधे तौर पर केंद्र ने साडा RDF खत्म ही करता जदों अनाज नूं संभालन दे खर्चे सूबा सरकारां ते पाते। अज पंजाब दे जणी जिहड़े साडे अपने हक ने वो बिल्कुल खत्म करते जदों के CRPF वर्गियां बटालियां लिया के करोड़ों रुपए का बोझ पंजाब की धरती ते पाता। सो पंजाब पंजाबियों के हाथ आए ये उप चोण के नतीजे साबित करेंगे। देखो मैं समझता कि यह सरकार ना तो कोई फैसले कर सकती है ना ये लोगों के विच लोगों की तसली करवा सकती है। केवल हवा च तीर मारन वाली पार्टी आ सरकार आ ते जिहड़ा टाइम बदलिया दफ्तर का इहदे नाल पब्लिक दीआं परेशानियां दा ध्यान रखे बिना केवल तो केवल बिजली बचाउण दा एक मन बना के एक अफसर दे कहण नाल मतलब फैसले बदलते जिहड़ी सरकार एक अफसर दे कहण ते फैसले बदले वो लोगों की सरकार को होण दा हक नहीं रखदी। देखो ये बड़े हैरानी वाली गल है, बड़ी चर्चा वाली गल है, सोचने वाली गल है भी मुख्तार अंसारी किहदे कहे ते आया, क्यों आया और उहदे पिछे की कारण सी, मतलब उहदे च कौन कौन लोग जिम्मेवार सी, ये सच सामने आना चाहिए। समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के सांझे उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी जी जिन्हों दोनों पार्टियों की लीडरशिप ने सर्वसम्मति अपना उम्मीदवार बनाया। आज उन्होंने विजिट विधानसभा हलका फलौर के दोनों पार्टियों के वर्करों के इकट्ठ में उन्होंने बुलाया गया और सारे वर्करों ने उन्होंने बड़ा जोर शोर में स्वागत किया और दोनों पार्टियों के वर्करों ने और लीडरशिप ने बैठ के अगे चोण मुहिम को किदां चलाउणा सांझियां टीमां जिहड़ियां वो बना लईआं हैं और मैनूं लगता कि जिस तरह का फलौर के वर्करों के जोश आ उत्साह आ बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर इस लड़ाई में जित हासिल करने के नज़रिए अपना वकार का सवाल बना के मैदान च आ गया है।